हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रेन, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, या फिर आप चाहे नवोदय में भी हो, उसमें भी क्या है, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आता ही है। इसके मेनली चार मॉडल होते हैं। अगर आप चार मॉडल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी ये जो मैं बताऊँगा आज चार मॉडल, उसी के बेस पे ही क्या है, सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या फिर यहाँ पे टाइम अगर निकालूँ यहीं से तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस निकालू तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। बस इसी को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया था कि इसके मेनली फोर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं मॉडल वन। मॉडल वन में क्या होगा, अ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ एस ऑफ टी एंड क्रॉसिंग द मेन पोल एटसेट्रा, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, मीन्स ट्रेन जो है क्या है, एक ट्रेन रनिंग कर रहा है। ठीक है, और अगर वो क्रॉस करता है किसको, मेन, यानी कि कोई सा भी मेन या फिर पोल, अगर खंभा, ऐसा अगर कोई स्थिर वस्तु है, अगर उसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे क्या फार्मूला आने वाला है, टाइम टी इक्वल टू एल ऑफ टी अपॉन एस ऑफ टी, जहाँ पे एल ऑफ टी क्या है, एल ऑफ टी मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का कितनी लंबाई है, एस ऑफ टी क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। समझ आया ना, अगर कोई ट्रेन रनिंग कर रहा है, अगर आदमी या फिर पोल या फिर कोई सा भी स्थिर वस्तु को अगर क्रॉस करता है तो उस टाइम हमारा फार्मूला जो होगा, टाइम टी इक्वल टू एल ऑफ टी अपॉन एस ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एल ऑफ टी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, और एस ऑफ टी क्या है, एस ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन देखने से ही सारा चीज क्लियर होता है। ठीक है, जैसे कि दिया है क्वेश्चन, 250 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द मेन, फाइंड टाइम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 250 मीटर का लंबा एक ट्रेन है जो कि क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और एक आदमी को क्रॉस करता है। ठीक है, तो वहां पे उस आदमी को क्रॉस करने में वो ट्रेन जो है कितना टाइम लिया, उसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को दिया है, क्या दिया है, एल ऑफ टी मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो लंबाई कितना दिया है, 250 मीटर। ठीक है, एस ऑफ टी स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो किलोमीटर यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर किलोमीटर पर आवर है और अगर उसको मेरे को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, ये 5/18 का उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो दिया रहता है। ठीक है, 5/18 क्यों, अब देखो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और एक आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, दो पंचे दो अठारह मीन्स 5/18 आया। ठीक है, तो इस ऐसे ही अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है तो उसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 का उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इधर मीटर में दिया है और इधर किलोमीटर में दिया है तो हम लोग को यूनिट तो चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड ही करना पड़ेगा। तो अब देखो 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर का अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो क्या हो गया, यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 18 फोर जा मीन्स 18 फोर जा क्या होता है, 72। अब देखो यहाँ पे 4 × 5 क्या हो गया, 20 मीन्स 20 मिलीमीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब देखो हम लोग फार्मूला रख देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 250, और अगर स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 20, जीरो से जीरो कट गया, अब 25 से 2 तो क्या बचेगा, 12.5 मीन्स उस आदमी को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 12.5 सेकेंड लगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया है कि ट्रेन जो है, यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, कितना कितना ट्रेन का लेंथ है उसको हम लोग को निकालना है, ये क्रॉस करता है इलेक्ट्रिक पोल को। ठीक है, और टाइम लेता है 20 सेकेंड, और उसका स्पीड जो है 144 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मीन्स एक ट्रेन है जिसका लेंथ हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, उसका क्या दिया है, स्पीड दिया है 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है 20 सेकेंड, मीन्स एक इलेक्ट्रिक पोल को एक ट्रेन जो है 20 सेकेंड में क्रॉस करता है। ठीक है, कितना स्पीड से, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन की, कितना लंबा लेंथ का ट्रेन है उसको हम लोग को निकालना है। तो स्पीड, जैसे कि स्पीड दिया है किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम लोग को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 144 इंटू 5 बाई 18, तो 18 एड से क्या होता है 144, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये आ गया हम लोग का क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक, सॉरी ये है स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक, तो स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में किए हैं, वही है जस्ट। ठीक है, तो अब देखो एल ऑफ टी में क्या आ जाएगा, नहीं है वो तो। ठीक है, अब टाइम दिया है 20 सेकंड, तो 20, अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स टी इंटू एस ऑफ टी। ठीक है, तो 20 इंटू 40, तो कितना आया 800 मीटर, मीन्स ट्रेन की जो लंबाई है कितनी है 800 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल टू, मॉडल वन क्लियर हुआ, अब देखते हैं मॉडल टू। ठीक है, ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ एस ऑफ टी एंड क्रॉसिंग द ब्रिज प्लेटफॉर्म। अब देखो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, अगर कोई सा ट्रेन अगर कोई सा ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, ठीक है, तो उस टाइम का क्या होगा, टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, उस टाइम टाइम क्या होगा, टाइम टी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन एल ऑफ टी प्लस एल ऑफ बी अपॉन एस ऑफ टी। ठीक है, जहां पे एल ऑफ टी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन मीन्स ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ओ बी मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ब्रिज या प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितना है वो दिया रहेगा। ठीक है, अब एस ऑफ टी मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, 250 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस 250 मीटर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया है 200 मीटर का लेंथ का ट्रेन है। ठीक है, स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और क्रॉसेस किसको क्रॉस करता है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है जिसकी लंबाई कितना है 250 मीटर है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो उसको क्रॉस किया। ठीक है, मींस ट्रेन का लेंथ है 200 मीटर और उसका स्पीड जो है 108 किलोमीटर है और क्रॉस करता है एक प्लेटफॉर्म को कितना, 250 मीटर लेंथ का एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो वहां पे टाइम कितना लिया उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 200 मीटर है, स्पीड कितना है उसका 108 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि इधर मीटर में दिया है तो उसको भी हम लोग को मीटर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 108 इंटू 5 बाई 18, तो 18 6, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, 30 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है 250 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला में रख दो, लेंथ ऑफ ट्रेन आया हम लोग का 200 मीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 250 मीटर और स्पीड कितना है 30। ठीक है, अब जीरो से जीरो कट गया, 3 1 3 15। ठीक है, तो कितना वो टाइम लेगा, 15 सेकेंड में उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट का लंबाई दिया है किसका, एक ब्रिज को क्रॉस करता है जिसकी लंबाई है कितना 95 मीटर। ठीक है, और उस ट्रेन की स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, मीन्स 10 सेकेंड में एक ब्रिज को क्रॉस करता है जिसका स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स उस ट्रेन की लंबाई कितना है जो कि 95 मीटर ब्रिज को क्या है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 सेकंड में क्रॉस कर देता है, तो उस ट्रेन की लंबाई हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 126 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 126 इंटू 5 बाई 18 करेंगे, तो 18 7 जो क्या होता है 126, तो 7 इंटू 5 क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब देखो फार्मूला बेस्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, टाइम दिया है कितना दिया है 10 सेकंड, टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 95। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया है हम लोग को, ये फाइंड करना है। ठीक है, और स्पीड कितना है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 प्लस एल ऑफ टी मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो 35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 350 और इक्वल टू 95 प्लस एल ऑफ टी। ठीक है, अब 350 माइनस 95 करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना पता आ गया 255 मीटर आ गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना है 255 मीटर है। ठीक, अब देखते हैं मॉडल थ्री। मॉडल थ्री में क्या है, यदि दो ट्रेन है, दो ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या फिर दो ट्रेन एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। मींस दोनों ट्रेन अगर स्पीड क्या है एक ही डायरेक्शन में है कि अदर डायरेक्शन में है, इससे रिलेटेड है। तो
मॉडल थ्री में क्या है, दो ट्रेन का लेंथ दिया होगा ठीक है, और दो स्पीड दिए होंगे ठीक है। तो अगर ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, मीन्स दोनों ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो वहाँ का फार्मूला होगा एल ऑफ टी वन प्लस एल ऑफ टी टू अपॉन एस ऑफ टी वन प्लस एस ऑफ टी टू, मीन्स दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो जुड़ जाएगा और दोनों ट्रेन का क्या स्पीड भी एड हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं अगर दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ठीक है, तो क्या हो जाएगा उनके स्पीड में क्या हो जाएगा माइनस होगा, मीन्स लेंथ ऑफ टी वन प्लस लेंथ ऑफ टी टू अपॉन एस ऑफ टी वन माइनस एस ऑफ टी टू है ठीक है। ये फॉर्मूला है ठीक है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या है उसमें घट जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या है स्पीड उसमें ऐड हो जाएगा, और ट्रेन का जो लेंथ का दोनों का ट्रेन का लेंथ तो ऐड होना ही है ठीक है, स्पीड में ही इसको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके स्पीड ऐड हो जाएंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनके स्पीड क्या होंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स 100 मीटर एंड 350 मीटर, देयर स्पीड 108 किलोमीटर एंड 54 मीटर, इफ टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फाइंड टाइम ठीक है। दो ट्रेन का क्या दिया है, लेंथ दिया है 100 मीटर और 350 मीटर, और दोनों का स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अगर दोनों ट्रेन का क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे टाइम निकालना है ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको ठीक है, एल ऑफ टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 मीटर, एल ऑफ टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर ठीक है, जहाँ पे स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर और स्पीड दिया है सेकेंड का 54 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में क्या है कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया है तो यहाँ पे भी हम लोग को मीटर में ही चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो 108 इंटू 5 इंटू 18 हो जाएगा, तो 18 वन जो 18 सिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, और दूसरे का क्या दिया है 54 इंटू 5 इंटू 18, तो 18 वन जो 18 थ्री जो 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड। एक का कितना आया स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 13 मीटर पर सेकेंड आया, एक का कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है। अब हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा 350 प्लस 100, मीन्स लेंथ ऑफ टी वन का कितना दिया 350 मीटर और लेंथ ऑफ टी टू कितना दिया 100 मीटर। अब ये क्या है उसका जो स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा 13 प्लस 15 इक्वल टू 45, तो 45 वन जा 45 टेन जा क्या होगा 450 होगा, मीन्स यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 10 सेकेंड होगा ठीक है। अब देखो मान लो वो दोनों सेम डायरेक्शन में रन करते हैं ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सेम डायरेक्शन में अगर रन करते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस होगा ठीक है। तो 350 प्लस 100 अपॉन 30 माइनस 15 मीन्स 450 अपॉन 50, तो 15 वन जा और 15 थ्री जब 45, तो यहाँ पे क्या होगा 30 सेकेंड होगा ठीक है। अब देखते हैं मॉडल फोर, ये लास्ट मॉडल है ठीक है। अगर दो ट्रेन दिए हैं ठीक है और वो दोनों स्टार्ट होते हैं ठीक है, मींस इसमें अगर टाइम से स्टार्ट होते हैं, मान लो ये 8 बजे दोनों स्टार्ट हुए ठीक है, 8 एम पे दोनों ट्रेन स्टार्ट हुए ठीक है, और वो दोनों रनिंग करते हैं, रन कर रहे हैं किस डायरेक्शन में है पता नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अगर यहाँ टाइम आया मीन्स क्या होगा दोनों का इसका जो फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर टाइम पे स्टार्ट होता है ठीक है तो दोनों का डिस्टेंस को ऐड करते हैं और दोनों की जो स्पीड है उसको ऐड कर देते हैं ठीक है, रिलेटिव स्पीड मीन्स दोनों का स्पीड को भी ऐड कर देते हैं, तो वो हम लोग को टाइम मिल जाता है ठीक है। अगर पर्टिकुलर टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है बोलेगा तब ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया है 140 दिया है अपॉन 70, दोनों का स्पीड ये 30 है ये 40 है, स्पीड भी एज हो जाएगा तो क्या होगा ये 2 आवर्स ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना आया 2 आवर्स। मान लो दूसरा क्वेश्चन है अगर एक ट्रेन ए है जो क्या है 8 बजे स्टार्ट होता है और ए से, और अगर पहुँचता है रात को 9 बजे बी पे ठीक है, और इसका जो ट्रेन का जो स्पीड है ये कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन उधर से एक ट्रेन आता है ठीक है जिसका स्पीड क्या दिया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया है ठीक है, और दोनों का जो डिस्टेंस ये है कितना है 140 मीटर है ठीक है। तो अब हम लोग ट्रेन को देखते हैं टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 अपॉन 70, तो 2 आवर्स ठीक है।
ये क्या है, ये 8 बजे 9 बजे स्टार्ट होता है, मतलब ये 8 बजे स्टार्ट होता है ट्रेनिंग, और जबकि ये क्या है 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 AM होगा सॉरी, ठीक है, तो 9 AM पे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 9 AM पे मान लो ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि 8 AM से जब स्टार्ट हुआ तो कितना टाइम लगा और 9 AM से स्टार्ट हुआ तो कितना टाइम लगा, ठीक है, अगर 9 AM से कंपेयर करते हैं तो 2 आवर्स तो कितना हो गया, 11 AM में पहुंचेगा, ठीक है, और अगर कंपेयर करते हैं 8 आवर्स 8 AM से, मीन्स अगर ट्रेन जो है 8 बजे अगर स्टार्ट होता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स लगेगा, और अगर 9 बजे स्टार्ट होता है दोनों ट्रेन तो कितना आवर्स लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। यही ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है।